ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं, लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है, या लखनऊ में एक दलित मां ने आत्महत्या कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना, अगर आप पत्रकार हो आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल से गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। आंकड़े में क्या बताया था, $1 trillion इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। पूरा आप निकाल के देख लो, इनके सवाल अगर एक भी जवाब दिया सरकार ने। और फिर $1 trillion इकोनॉमी, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, अगर उत्तर प्रदेश की $1 trillion इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए, नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बनवाओ, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 trillion इकोनॉमी बनेगी। और $1 trillion इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या कहती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं, किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो, आप मऊ में लग रही हो तो राजीव बता दें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पॉटरी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, क्या बजट दिया होगा उन्होंने बताइए। सबको बिजली भी नहीं मिलती, तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है या जो हमारे पॉटरी वाले लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, जो उनको मदद मिली थी वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम। गवर्नर जो होते हैं वो दिल्ली के सारे पे चलते हैं, ये बहुत से स्टेटों में ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन इन जातियों की पोस्टिंग, इन इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है, किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनके ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से। उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे, जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए विशेष योजना लाकर उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे।